नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जो झुक्की सिलाई मशीन हो गई, जैक सिलाई मशीन हो गई, चाहे दोस्तों जितनी भी बड़ी सिलाई मशीनें होती हैं ना, जो कंपनियों में इस्तेमाल होती हैं, उन सारी मशीनों का दांत कैसे चेंज करते हैं, कैसे सेट करते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने और सीख। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मशीन के दांत को चेंज करने के लिए और सेट करने के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों इस पैर को खोल के बाहर निकालना है, फिर इस पटरी को भी खोल के बाहर निकालना है और इस पटरी को इधर साइड में करना है। देखिए कैसे कैसे मैं करता हूँ। पहले इस पैर को खोलने के लिए इसमें पेचकस लगाएंगे। ये देखिए पेचकस लगा दिए और पेचकस लगाने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमा के ढीला करेंगे ताकि हमारा पैर है जो वो बिल्कुल आसानी से ऐसे निकल जाए और इसको निकाल के साइड में रख देंगे। अब दूसरा काम हम ये करेंगे, अब इस पटरी को खोलेंगे। इस पटरी को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे दो नट होते हैं, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। इस दोनों नट को खोल के निकालेंगे। ये देखिए ऐसे इसमें पेचकस लगाएंगे और पेचकस लगा के इसको खोलेंगे और इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। देखिए कैसे कैसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। हंसते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि हंसते 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 मूड साफ हो जाता है और जब मूड साफ रहता है तो सीखने में अच्छा लगता है। हम इसमें से नट खोलने के बाद इसको संभाल कर रखेंगे। देखिए मेरे पास ये चुंबक है, इसमें चिपका दूंगा, चिपक जाएगा, अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि नट बहुत कीमती होता है। अगर नट गुम हो गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी, जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए संभाल संभाल के हर एक चीज़ रखना पड़ता है। अब ये दूसरे नट को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के खोलेंगे दोस्तों। आप ऐसे ही फटाफट वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब ये देखिए दोनों नट हमारा खुल गया। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वाली प्लेट को इधर ऐसे खींचेंगे। ये देखिए इसमें पेचकस लगा के ऐसे ऊपर से हल्का से ऊपर उठाएँगे और ऐसे इसको स्लिप पिन सरका देंगे। ऐसे देखिए सरका दिए। अब इस पटरी को हम आराम से निकाल लेंगे। इसको हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, प्यार से बोलेंगे आजा मेरी जान, साइड में हो जा। ये देखिए हो गया साइड में। अब दोस्तों आपको यहाँ सुई से धागा निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम फिटिंग सिटिंग करेंगे तो धागा फंसने लगता है। साइड कर दिए। अगर आप नीचे बॉबिन लगा रखे हो तो बॉबिन को भी निकाल के साइड कर देना, क्योंकि जब हम इस दांत को सेट करेंगे तो हमारा सिस्टम घूमने लगता है और जो घूमता है तो हमारे डब्बी भी यानी बॉबिन भी घूमता है, फिर धागा फंस जाता है, इसलिए आप बोले बॉबिन को निकाल लेना। अब दोस्तों इस दांत को चेंज करने के लिए इसको खोल के निकालेंगे। इसको निकालने के लिए ध्यान देना, एक नट यहाँ लगा हुआ है, एक नट यहाँ लगा हुआ है। दोनों नट को खोल के निकालेंगे। पहले ऐसी आ रही है, मैं जानबूझ के आपको हंसा रहा हूँ ताकि आप हंसोगे ना तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, और जब मूड फ्रेश होगा ना तो जो कुछ भी बताऊँगा दिमाग में बैठ जाएगा, समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है, हंसने को नहीं। अब इस नट को ऐसे प्यार से निकालेंगे और प्यार से निकाल के दोस्तों नट को यहाँ पे चुंबक में चिपका देंगे ताकि ये कहीं गिरे ना। संभाल संभाल के हर एक चीज़ रखना होता है, समझे ना, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसे की बहुत तंगी हो गई है हर किसी को। ऐसे में कोई चीज़ गुम हो जाए तो पैसे लगा के ख़रीदना पड़ेगा ना, तो इसलिए सावधानी पहले ही बरते। अब दूसरे नट को भी प्यार से हाथ से खोल के निकालेंगे। ये नट छोटे होते हैं इसलिए ज़्यादा संभालना पड़ता है, ढूंढने में दिक्कत होती है, गिर जाता है तो समय भी बर्बाद होता है, समझे कि नहीं, समझ गए ना। अब दूसरे नट को भी यहाँ से उठा के यहाँ को इस पे ऐसे चुंबक में चिपका देना है, ठीक है। अब इस दांत को बाहर निकाल लेना है और निकाल के इसको साइड में रख देना है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, किसी ना किसी मोड़ पर कोई ना कोई साथ दे देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरा दांत कैसे सेट करते हैं ये देखिए, उसके लिए हम एक यहाँ दांत ले लिए, और दांत लेने के बाद अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा दांत है और ये देखिए दांत का जो ये वाला हिस्सा है, ये देखिए ध्यान से, जो ये वाला हिस्सा है जो बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पे फिट करना है। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा, इस पर एकदम बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रख के इसमें नट को टाइट करना है। एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ, पहले कैमरे को साइड कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को कसना नहीं बनेगा, ठीक है। कैमरे को यहाँ फिक्स कर लेता हूँ और फिर मैं दोनों हाथ का इस्तेमाल करूँगा। जब दोनों हाथ का इस्तेमाल करूँगा तभी सही से काम बनेगा, समझे कि नहीं, समझ गए ना। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, काफ़ी दूर हो गया है। ये देखिए हो गया,
अब हम वहाँ से नट निकालेंगे, छोटा वाला नट लेंगे, और नट लेने के बाद आप देखना यहाँ पे ध्यान से, इसको बिल्कुल बराबर रख लेंगे, इसके बिल्कुल बराबर दांत को रख लेंगे, और एक सुराग में नट को फंसाएंगे। पहले एक सुराग में फंसा के हल्का सा नट को फंसा देंगे ताकि बैठ जाए, गिरे ना नट। ये देखिए एक ये नट फंस गया, ठीक है। अब दूसरे नट को भी फंसाएंगे। पहले दोस्तों नट को फंसाना, ठीक है, कभी भी चेंज करते समय नट को फंसाना, ठीक है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट टाइट करना, डायरेक्ट टाइट नहीं करना है, पहले फंसाना। अब दोस्तों ध्यान देना आप, ठीक है, ज़्यादा हंसी मजाक हो गया, सीरियस लो और सीखो। इस दांत को इसके बिल्कुल बराबर रख के एक नट को पहले टाइट करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, पूरा नहीं टाइट करना है, ठीक है, हल्का सा लूज रखना है, दोनों नट को एक साथ टाइट नहीं करना है, एक एक करके टाइट नहीं करना है, ठीक है। देखिए हल्का सा लूज छोड़ दिया मैं, अब दूसरे नट को भी टाइट करूँगा, दूसरे नट को भी हल्का लूज छोड़ देना है, पूरा टाइट नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है, बताऊँगा कब टाइट करना है। पहले इसको हल्का सा लूज छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे दोनों नट हल्का हल्का लूज है, ये देखिए घूम रहा है ना। अब इसको यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ध्यान से एक बराबर दोनों को सेट करना है। ये देखिए इसके ऊपर इस दांत को पूरा एक बराबर सेट करना है ऐसे, और एक बराबर सेट करने के बाद फिर धीरे धीरे एक एक नट को टाइट करेंगे। ये हल्का सा इसको टाइट करेंगे, फिर हल्का सा इसको टाइट करेंगे, फिर हल्का सा इसको टाइट करेंगे, फिर हल्का सा इसको टाइट करेंगे, एक बराबर दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल एक बराबर सेट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना। ये देखिए अब ये दोनों नट पूरा अच्छी तरह से टाइट हो गए हैं, एकदम बिल्कुल एक बराबर। ये देखना यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ये दोनों एक बराबर होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब ये सेट हो गया है, अब हम दांत को सेट करेंगे किस हिसाब से, ये देखिए। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पटरी को लगाएंगे, इस दांत को ऊपर नीचे सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम पटरी को लगाएंगे और पटरी को टाइट कर देंगे, ठीक है। इसमें नट लगाएंगे, हल्का सा टाइट करके फिर इसमें हल लगाएंगे, इसमें हल्का सा टाइट करके अब फिर इनको सबको टाइट कर देंगे भाई। अब ये देखिए दोनों नट टाइट हो गए, पूरा प्लेट सेट हो गया। अब हम दोस्तों सबसे पहले हम दांत को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घुमा के, और दांत को सबसे ऊपर लेके आएंगे। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया। जब हमारा दांत आगे की तरफ जाएगा और नीचे होने लगेगा तो नीचे होने से पहले ही इसको रोक लेना है। ये देखिए जैसे नीचे जा रहा है, अब देखिए नीचे जाने लगा, अब ये डाउन होने वाला है, डाउन होने से पहले हमने इसको रोक लिया है। और रोक के चेक करेंगे दोस्तों कि जो हमारा दांत है ना, और जो दांत का जो कट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा दांत है और जो कट कट से हैं, ये देखिए, ठीक है, ये जो कट कट से हैं, तो जो जहाँ पर हमारा कट ख़त्म होता है सबसे नीचे वाला पोजीशन को हम इस प्लेट के बराबर सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए हम मशीन को पलटेंगे। मशीन को पलट के दिखाता हूँ कैसे सेट करना है आपको। अब हम मशीन को पलटने वाले हैं, इसको ऐसे ये पलट दिए। अब यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए मशीन के नीचे ये आपको रोड दिखाई दे रही है, इस रोड पे हमारा दांत सेट हुआ है। ये देखिए ये रहा हमारा दांत, इस रोड पे सेट हुआ है। इस रोड को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे एक नट होता है जो इस साइड को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे एक नट होता है जो इस साइड को, ऊपर वाले साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस दोनों नट को हल्का सा ढीला करना है, हल्का हल्का ढीला करना है, समझे कि नहीं। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा प्यार से इसको ऐसे पल्स में पेचकस लगा के इसको ऐसे हल्का सा ढीला करना है, ठीक है। अब फिर इसको भी, इस वाले नट को भी इसमें पेचकस लगा के हल्का सा ढीला करना है। इस नट को और इस नट को, दोनों नट को दोस्तों ढीला करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा दांत है, ठीक है, अगर ये दांत ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ से आपको, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे हल्का सा अंतर करेंगे, ऐसे करेंगे तो नीचे होगा और ऐसे करेंगे तो ऊपर होगा, ठीक है। तो हल्का सा आपको, बिल्कुल हल्का सा करना है। और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना आप, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से एक बराबर दांत को ऊपर नीचे करना है, सेट करना है, ठीक है। और करने के बाद दोस्तों एकदम सेट करने के बाद बिल्कुल आपको इस वाले नट को और इस वाले नट को, दोनों नट को टाइट कर देना है।
इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, ठीक है, प्यार से टाइट करना है और अच्छी तरह से टाइट करना है, दोनों को टाइट करना है, ठीक है। हो जा टाइट, ये गाना सुनाऊं आपको, दिल के अरमासों में बह गए, आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हम जीते जी मर गए, ये तो गलत बात है। ओ मेरे भाइयों, मेरी वीडियो देख के लाइक नहीं करे ना तो गलत बात है, समझे क्या। और फिर इसको मशीन को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करके इस प्लेट को अंदर कर देंगे। अब फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये देखिए ऐसे चेक करेंगे, दांत को नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके आएंगे। अब देखेंगे जब हमारा दांत जो सबसे ऊपर पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे ज़्यादा नीचे तो नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नीचे तो नहीं है या फिर ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। अगर है तो जैसे मैंने बताया दोनों नट को खोल के सही से सेट कर लेना है, समझ गए ना। अगर नहीं समझे तो बोलना, फिर मैं दोबारा अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको, कैरी मिनाती की तरह, समझे। तो दोस्तों ऐसे ही हम बड़ी मशीनों के दांत को चेंज करते हैं और सेट करते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, बस मैं आपको थोड़ा हंसा हंसा के सिखाने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए माफ़ करना अपने छोटे भाई को। तो ठीक है दोस्तों, सब कुछ के लिए सॉरी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना।